तो अब ज्यादातर मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस ही आ रहा है, सर क्या नेक्स्ट ईयर एनएमसी पेपर बनाएगा तो पेपर के लेवल में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा, समझ में आ गया? क्या पेपर जो है वो डिफिकल्ट आएगा? देखो एक चीज आप समझो, जब आप छोटे थे, आप जब पैदा हुए थे तो आपसे चलना भी नहीं बनता था, वो कितना बड़ा टास्क था। लेकिन आज आप चलते हो ना, दौड़ते हो। आप मुझे बताओ सर, आपको साइकिल चलाना एक टाइम पे लगता था कितना डिफिकल्ट है, बाइक चलाना लगता था कितना डिफिकल्ट है, लेकिन सारी चीजें आप सीख गए ना। तो याद रखना, इसी तरीके से कहीं से कुछ भी हो जाए, एनएमसी हमारे नोट से बाहर पेपर नहीं बनाएगा। और एक चीज आप समझ लो, यदि आप समझ समझ के बिल्कुल जैसा आपको बताते जा रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते जाओगे। समझ में आ गया? क्या करके पढ़ते जाओगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते जाओगे, तो चाहे एनएमसी बनाए, चाहे एमसीआई बनाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, समझ में आ गया, चाहे कोई भी बनाए, चाहे नाटो बनाए, चाहे नेटो बनाए, चाहे कोई भी बना दे, चाहे G20 के देश बना दे, कोई भी बना दे, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, याद रखना। और ये जो नोट्स हैं, जब एम्स का पेपर होता था 2019 तक, इन्हीं नोट्स को पढ़ के स्टूडेंट्स एम्स में भी गए हैं। समझ में आ गया? इनको पढ़ के स्टूडेंट्स किस में गए हैं? एम्स में गए हैं। तो आप इस बात को समझो, आपको नोट्स 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 मल्टीपल टाइम्स करने हैं, पहली बात। दूसरी बात सर, जैसे कई सारे टीचर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं, उन क्वेश्चंस को करने के बाद में हमको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। कितने दिन का? मुझे इस बात का जवाब दो, वो कॉन्फिडेंस कितने दिन का है? आप इस बात को समझो बहुत अच्छे से। इस साल जितने पीडब्ल्यू से इस बार रैंक आई हुई है, आप किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। बायो में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बायो में आपको क्या करना है, आपको नोट्स मल्टीपल टाइम्स करना है। आपके पास टाइम लिमिटेड है, समझो इस बात को, आपके पास टाइम लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में आपको फिजिक्स को भी देना है, केमिस्ट्री को भी देना है, बायोलॉजी को भी देना है, समझ में आ गया, और खुद की मेंटल फिजिकल हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ जरा, आप क्या कर सकते हो? आप बायो में नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करो, जितने ज्यादा बार करोगे, जितने ज्यादा बार करोगे, याद रखना आपका सिलेक्शन क्या, आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बायो में अभी आप करोगे, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, मैं दूसरी बार इस बारे में बात नहीं करूंगा। समझ में आ गया? आज मैं आपके सारे डाउट्स, जितने डाउट्स आपने मुझे भेजे हैं, वो सारे डाउट्स मैं आपके कवर कर देता हूं। क्लियर है जो आपके क्वेश्चंस हैं? और मैंने आपको बोला मैं एक टी टॉक लेके आने वाला हूं, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जो टॉपर्स हैं आप उनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। समझ में आ गया? तो आप पूछोगे, आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि अभी आपने कुछ अचीव नहीं किया, अचीव कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप बोलोगे हाँ यही सही है। समझ में आ गया? तो ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली चीज आपको क्या करनी है, बायो में आपको अननेसेसरी डीपीपीस, अननेसेसरी मॉड्यूल पैकेज नहीं करना है, इस बात को आप समझो। समझ में आ गया? पैकेज को बायो में फाड़ के फेंक दो। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको क्लियर है कि नहीं? बायो में आपको पैकेज को फाड़ के फेंक देना है, आपको रखना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको बायो में। मैं ये नहीं बोल रहा फिजिक्स में मत करो, आप बिल्कुल करो, आप केमिस्ट्री में मत करो, आप बिल्कुल करो, आप बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री में करो, बायो में अलग कर दो। समझ में आ गया? कोई जरूरत नहीं है किसी पैकेज को करने के लिए, किसी को करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल मल्टीपल टाइम्स नोट्स 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 को करो। जितनी बार नोट्स करोगे, जितनी बार नोट्स करोगे, हो सकता है इस बात के लिए मुझे कोई ना कोई बिजनेस टीम में उसमें से कोई बोले कि सर नहीं, वो पैकेज के लिए आप जो है पैकेज से होमवर्क दीजिए, मैं बिल्कुल दे सकता हूं। इस बात को आप समझो, 11th 12th में यदि आप होते, आपके पास बहुत टाइम रहता है, हो जाए। लेकिन ड्रॉपर में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, उस लिमिटेड टाइम में यदि आप 50 चीजों को करोगे तो अभी जितना फैलोगे लास्ट में समेटना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैं सीधे आपको बोलूंगा, सच बोलूंगा, आपको कड़वा लगे, किसी को भी कड़वा लगे, लेकिन जो सच है मैं वही बोलूंगा। बात समझ में आ गई? आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। तीसरी चीज सर, हमने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, हमने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो अब हम क्या करें, हमारा बैकलॉग हो गया।
लिविंग वर्ड का और सेल स्ट्रक्चर का बैकलॉग हो गया है। अभी मैं आपको कुछ दिन में सेल स्ट्रक्चर का वन शॉट भेजूंगा, मैं उसको बना रहा हूं, उसमें बहुत मेहनत लगेगी, ट्रस्ट मी, कम से कम उसको बनाने में 8 से 10-12 घंटे उसको लगेंगे, समझ में आ गया। और उसको बनाने के बाद में वो जो वन शॉट आएगा, वन शॉट देख लेना कौन, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और सेल साइकिल के इस लेक्चर से ज्वाइन करना। हर सब्जेक्ट में अभी बहुत ही बेसिक टॉपिक्स चल रहे हैं, आप करंट टॉपिक से स्टार्ट करो, कम से कम 15 दिन तक करंट टॉपिक्स करो, और जब टाइम मिल जाए जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनका वन शॉट देख लो। अभी बहुत बेसिक टॉपिक है, अभी बहुत ही ज्यादा बेसिक टॉपिक्स चल रहे हैं, आप आसानी से कवर कर सकते हो, समझ में आ गया। तो मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं